जय श्री कृष्णा दोस्तों, जायका जिंदगी का में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही हेल्दी और इंस्टेंट रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आपके लिए एक शेक की रेसिपी लाई हूँ। आज हम बनाएंगे पपीते का शेक। पपीते के बहुत बेनिफिट्स होते हैं, ये तो आप सभी जानते ही हैं, और जब हम इसमें दूध मिला देते हैं तो इसके बेनिफिट्स और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये हमारे स्किन और हेयर के लिए बहुत अच्छा होता है, वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा होता है, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए और हाइपरटेंशन के पेशेंट्स के लिए भी पपीता बहुत अच्छा होता है। ये हमारी बहुत सारी स्टमक प्रॉब्लम्स को दूर करता है, कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है, इसके और भी बहुत बेनिफिट्स हैं। तो आइए देखते हैं पपीता शेक बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। पपीता शेक बनाने के लिए मैंने एक बाउल पपीता लिया है और इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। आधा ग्लास स्किम्ड मिल्क लिया है, आधा चम्मच शहद, और सजाने के लिए काजू और बादाम को मैंने छोटा छोटा चॉप कर लिया है। अब इन सब चीज़ों को मिक्सी के जार में डालकर इसका हम शेक तैयार करेंगे। पपीता, दूध और शहद, लीजिए फ्रेंड्स, हमारा शेक तैयार है। आइए इसे एक ग्लास में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इसके ऊपर से हम चॉप नट्स डालेंगे। यह बहुत जल्दी तैयार हो जाता है और बहुत हेल्दी ऑप्शन है। कुछ सेकंड्स में ही यह रेडी हो गया है और इससे आपका पेट भी बहुत देर तक भरा रहेगा और आपको भूख नहीं लगेगी। आपको ये पपीता शेक की रेसिपी, आप भी पपीता शेक को या पपीता को अपनी डेली डाइट में ज़रूर शामिल कीजिए। आपको अगर मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल बटन। सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, स्टे सेफ, हैप्पी एंड हेल्थी।